समुद्र तट पर अचानक एक शव दिखाई दिया। वो एक डूबा हुआ दानव था। ग्रामीणों ने उसे समुद्र तट पर बेसुध पड़ा पाया। इतने बड़े सुंदर शरीर वाले इंसानी विशालकाय राक्षस को खोजने के लिए वैज्ञानिक घटनास्थल पर पहुंचे। सारे शरीर से जान निकल चुकी थी। दानव की हथेली पर पानी का एक पोखर था। इसमें कुछ छोटी मछलियां भी तैर रही थी। पहले तो लोगों ने दानव को दूर से देखने का ही साहस किया, लेकिन जब एक साहसी युवक दैत्य की छाती पर चढ़ गया तो लोग दैत्य की ओर उमड़ पड़े। वैज्ञानिकों ने उन्हें नहीं रोका। विशाल की त्वचा का हर इंच इंटरनेट सनसनी बन गया था। उसके ऊपर लोग खेल रहे थे और उसकी नाक की नोक पर योग का अभ्यास कर रहे थे। अधिक से अधिक लोग इसे देखने के लिए आ रहे थे। वैज्ञानिक यहाँ दानव के दैनिक परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। जैसे जैसे समय बीतता है दानव की प्रसिद्धता कम होती जाती है। केवल कुछ बच्चे अभी भी दानव के शरीर पर खेल रहे हैं और बड़े कुछ और योजना बना रहे हैं। उन्होंने दानव के हिस्से को अलग करने के बारे में बात की। वो दैत्य के शरीर को अलग अलग काट कर ले जाएंगे। कुछ और दिनों के बाद दानव से जुड़ी जीवन शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। पहला पर्वतारोही अभी भी उसके कान पर बैठा था। उसका चेहरा मुरझा गया और उसकी आंखें धुंधली हो गई। अब उसमें चमक भी नहीं रही। वो उसके हाथ के पोखर को देख रहा है जिसमें केवल बोतलें पड़ी हैं जिन्हें लोग फेंक कर चले गए थे। लोग अब इसे किसी मूल्यवान चीज के रूप में नहीं देखते हैं। वैज्ञानिक दानव के शरीर पर चढ़ गया। अगले कुछ दिनों में उसके शरीर पर जगह जगह लिखावट थी। निर्माण दल ने अगले दिन टुकड़ों को काटना शुरू किया।